the revision. So yesterday we did some from stats. Yes. So now in the second revision, there's three chapters are going to come: stats, lines and angles, and neurons. है ना? ठीक है. ओके बेटा. सी लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस. नोबडी विल गिव मी द कलेक्टिव आंसर. जस्ट रेज योर हैंड. दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी. ये एक्स है. इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इज डैश. ऑब्ट्यूज, एक्यूट, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट. अखिलेश, in the given figure angle x is what? Okay, what is your name? Nitish. Aditya, kya ho gaya? Not feeling well, making different faces. Why don't you sit that side? Nahi, yahan pe baith ke to bilkul padhai nahi hoti. Aate kyu ho school aap? Nahi, you are not studying at all here. You only want to sit here for gossiping. Yes. You are not involved in the sum. Shut up. Yes. Yes. This is not obtuse. This is reflex angle. ये देखिए, ये जो आपका है, ये है acute angle. अगर पूछा जाए what is angle AOB, that is acute angle. नहीं, AOB acute obtuse. Obtuse है. AOB obtuse है. एक्यूट नहीं है. एक्यूट होता अगर इधर अंदर को लाइन होती. जैसे ये हो गया 90, ये आपका हो गया 90, ठीक है. ये अगर इधर चला गया तो ये ऑब्ट्यूज. और ये एंगल कौन सा है? दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. डस्टर, डस्टर दो. बहुत इजी है. वेरी इजी क्वेश्चन. कौन सा वाला? हाँ, क्योंकि इसको पता है कि कैसा क्वेश्चन है ये. फाइंड एक्स. दैट धीरेन आंसर. ऑरली आंसर है इसका तो. हाँ जी धीरेन. मैम मुझे कुछ पूछना था. बोलो बोलो. एक मिनट. मैम हम जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे वो आप एक बार ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट के क्वेश्चंस ओपन कर रहा था तो वो खुल नहीं रहे थे 240 के बाद. ओके, आई विल टेक द स्क्रीनशॉट एज आई एम हैविंग द टेस्ट. मैं आई विल सी कि वो मेरे से तो ओपन हो ही जाएगा. डाल दूंगी. ओके मैम, थैंक यू मैम. यस बेटा, 1 मिनट. 1 मिनट आप बातें क्यों करते हो साथ में? हां तो बातें क्यों? ब्रेन म्यूट करते हैं बेटा साथ ही. हाँ अखिलेश बता दो. हाँ 20, 55 + 45 100 प्लस 5x - 20 इज 180 स्ट्रेट एंगल. ठीक है, जिसको नहीं पता चल रहा उसके लिए. ठीक है, दिस इज 5x + 80. अब देखो बेटा, क्वेश्चन तो बहुत इजी है. ऑल द एंगल्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? So it means the sum of all, not linear pair, straight angle is the reason.
एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज लीनियर पेयर होता है. हाँ ठीक है, बट वॉट इज इम्पोर्टेंट, कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट. मान लो आपने गलती से 1x - 5x - 80 कर दिया, फिर 80 उधर प्लस कर दिया और वो ऑप्शन भी हुआ, तो आप फटाफट से वो ऑप्शन भी टिक कर सकते हो. समझ आ रही मेरी बात? मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया 5x - 80 - 8, इधर देखो बोर्ड पे मेरी तरफ नहीं, 5x - 80, 80 को उधर ले जाके प्लस करके कितना आएगा, 260 को 5 से डिवाइड किया, 5 5 25 1 0 52 52 52 है ना, तो 52 ऑप्शन हुआ, तो आप 52 भी टिक कर सकते हो. तो ध्यान से कैलकुलेशंस करनी, एकदम से क्वेश्चन को देख के वो नहीं करना कि आता 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 है. आता है बहुत अच्छी बात है, रिलैक्स हो जाओ, कैलकुलेशंस करो और सही आंसर टिक कर. ठीक है, देन 5x = 100, x = 20, राइट. नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 degree, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10 degree. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू फिर तू पीछे बोल रहा है, मैंने बाहर भेज देना है. देन द एंगल्स आर डैश, ऑप्शन भी दे रही हूँ, करने दो. नितिश आ गया, जा ठीक है, चल से सम कर जल्दी. फाइल इधर जा. योगा आंसर, एक मिनट. ऑप्शंस आर, गलत आंसर बता के दिया है. डांस, एक मिनट रुक जाओ. ऑप्शंस दे नहीं पड़ेंगे इसमें, क्योंकि सब में डिफरेंस 10 है. यस बेटा, नो नीड टू स्पीक, यू कैन सी 50 + 40 = 80 + 10 35 + 45 = 80, right. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. ऑप्शन में से आंसर बता, गलत है. सही है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10, ठीक है, 50 40. सो द आंसर इज 50 and 40. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द डिफरेंस इज 10. ओके, सुनो क्वेश्चन. डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, बनाना नहीं है सिर्फ सुनना है. दिस इज अ रोम्बस एंड यू विल ओनली रेज योर हैंड, ठीक है. डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, व्हाट आर द मेजर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस एंड दिस. युग 90 एंड बिकॉज वी नो द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 degree. Okay, write down. In the figure I will make, x is greater than y. In figures, x is greater than y. X is greater than y by x is greater than y by 1/3 of right angle. X is greater than y by 1/3 of right angle. Very easy. Find
एक्स एंड वाई, गलत है। हाँ ठीक है, एक्स कितना है, गलत है। एक मिनट, तुम्हारा एक्स कितना है, गलत है। लक्स, मैं सॉल्व करती हूँ, देखते हैं कि आपका बुक गलत हो। 75 है वाई, यस तुम एक्स बोल रहे हो, तुमने एक्स बोला, वही नहीं ना बेटे, वो टोटल गलत हो गया। क्वेश्चन इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई बाय 1/3 ऑफ 90, मींस एक्स बड़ा है। एक्स किसके बराबर है, जब y में 1/3 ऑफ 90, 1/3 ऑफ 90 मींस 1/3 इनटू 90, जब y में हम ये ऐड कर देंगे 1/3 ऑफ 90, देन इट विल बी इक्वल टू x। समझ आई, मतलब x जो है वो y के बराबर नहीं है, बड़ा है। बड़ा कितना है y, अगर हम लिखें x इज इक्वल टू y प्लस, ये कितना आ गया 30। Can we write x is greater than y by 30? Yes. X is greater than y by 30. So x is y plus 30 means this is y plus 30. अगर आप x plus 1/3 into 90, x plus 30 is equal to y कर दोगे, वो फिर आपका दोनों आंसर रिवर्स आएंगे और जीरो। ठीक है? x माइनस 30, हाँ x माइनस 30 प्लस x हो सकता है, x प्लस 30 प्लस x नहीं हो सकता। आप यूं मेरी बात क्यों नहीं समझते, अपना ही क्यों चलाते रहते हो दिमाग, जब मैं समझा रही हूँ तो समझो, ये ऐसे नहीं हो सकता वैसे नहीं हो सकता, क्यों करना है? आप इक्वेशन को समझो ना, किसका, किस वैल्यू का, x का कि y का, गलत है ना, x का 75 नहीं है, y की वैल्यू 75 है, what, that's what I'm saying, you are not listening to me। जो आपने किया वो उल्टी इक्वेशन बना दी, जिससे आपकी एक्स की, हमारी यहाँ एक्स की वैल्यू आ रही है 105 और वाई की वैल्यू आ रही है 75। दिस इज फिक्स्ड, बिकॉज अपनी तरफ से वेरिएबल नहीं लेने, गिवन है कंडीशन, गिवन है एक्स और वाई की। समझ आ गई बात? सो कंडीशन इज एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 30, ना कि एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू वाई। जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं सुनना तो तुम्हारी मर्जी है, सुनने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं, अभी भी नहीं कोशिश कर रहे, तो अभी भी तुम्हें ये समझ नहीं आई बात, नहीं समझे। आई एम हैविंग मनी ग्रेटर देन यू बाय 200, ठीक है, आई एम हैविंग मनी ग्रेटर देन यू बाय 200, इसका मतलब जितने तेरे पास पैसे हैं, ठीक है, उससे मेरे पास 200 ज्यादा है। अगर मेरे पास 500 है, तेरे पास कितने हैं, तो ठीक है, मैं हुई एक्स, तू हुआ वाई, तो जब तेरे में 200 ऐड करेंगे तो इक्वल होंगे हम। ये इक्वल टू का साइन लगाया है, ये है ईशा मैम और ये है यू, ठीक है, अगर तेरे में 200 ऐड करेंगे देन यू विल बी इक्वल इन द अमाउंट एज आई एम हैविंग। बात समझ में आ गई? इसी तरह से एक्स इज ग्रेटर देन वाई बाय 1/3 ऑफ 90, इक्वल टू का मतलब ये बराबर है, वो कह रहे ग्रेटर है, एक्स ग्रेटर है, x इसके बराबर कब होगा, जब हम y में कुछ ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? सो आई होप नाउ यू कैन सॉल्व। सो द वैल्यू ऑफ y इज 75, y आ गया तो फिर x निकालोगे आप, 75 प्लस 30 इज 105। ये बहुत सिंपल है, कर लो एक बार, ये एक्स है ये वाई है, एंड एक्स रेशियो वाई, यू भी आंसर देगा मुझे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नो उसको देने दो बेटा, सारी
की क्या बात है, चुप कर। साहिल आप ऑनलाइन में तो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे कभी। मैं आई यूज टू थिंक दैट यू यू नो यू आर एक्टिव स्टूडेंट बट यू आर नेवर रिस्पॉन्डेड इन ऑनलाइन। बाय ऑनलाइन में धीरेन, अपरन, ये वंशिका, दिव्या, मतलब ये बहुत कम, एंड दिस एक ये लक्ष्य है वो देता आंसर समटाइम्स। हाँ ये बस, हाँ यू तू तो डाउट ही पूछता था, यू नेवर यूज टू रिस्पॉन्ड। एनीवेज योग अगर आपने ये बेटा इतनी जोर से नहीं अपना, दूसरी क्लासेस लगी हुई है, वो लगे कि पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है तो जल्दी में आंसर नहीं देना, आपकी वैल्यू आई। अब आपने जब रेशियो को कन्वर्ट किया उसके साथ क्या लगाया, एक्स टू के प्लस थ्री के इज 180 बिकॉज एक्स इज टू के वाई इज थ्री के, 5K is 180, K कितना आ गया? So X is 72 and Y is 100K. NCERT में जो questions है ना बेटे, X Y निकालने वाले, don't miss that questions. They are very important. ये नहीं सोचना कि एमसीक्यू है तो एक्स्ट्रा बुक्स में से ही आएंगे, जो एनसीईआरटी में से आपके पास लाइंस एंड एंगल्स में एग्जांपल्स भी, इवन जो एक्स फाइंड एंगल्स वाले क्वेश्चन है, जो तो टू प्रूफ वाले क्वेश्चन है, आपने करने सारे क्वेश्चंस हैं। प्रूफ का ऐसे होता है ना दिव्यांशी, प्रूफ पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें देखो क्या कंडीशन यूज हो रही है। बेटा प्रूफ पूरा नहीं आ सकता लेकिन कुछ उसको मोल्ड करके, अब टीचर के ऊपर है। ऐसे प्रूफ यूज हो सकता है इन ऑर्डर टू सॉल्व, जैसे आपके पास एक मिनट, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला मिरर वाला क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसमें आपको ये बताया है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे कोई फिगर दी हो सकती है, ठीक है ये एंगल है सपोज ए बी, ये सी, मान लो ये बी, ठीक है विच एंगल इज इक्वल ए एंड बी, पता होगा अगर आपको दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस and this is angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, therefore A is equal to B. ये parallel है, ये parallel है। तो x और y ये angles वाले सारे questions कर लेना। बेटा बोलना नहीं है, लाइंस आर पैरेलल, एंगल टू इज 120 प्लस एक्स एंड एंगल सिक्स इज इक्वल टू 6x, फाइंड मेजर ऑफ एंगल टू एंड एंगल सिक्स। Very easy, solve करके answer पर raise your hand. 2 and 6 angle निकालना है। Okay, just wait.
इधर साहिल आंसर दो, क्या हो गया कबर नूर, करो आप, मुझे इधर से आंसर नहीं चाहिए, एक मिनट, मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे एंगल टू और एंगल सिक्स चाहिए, चुप कर जाओ। All these students, I want the answer. And online students, why you are not raising the hand? Raise your hand. Let me know who is studying, who is not studying. All are sleeping. Why don't you raise your hand? If these students can raise the hand, you can also. You don't have the option on your screen. सो रहे होंगे? हाँ, तू भी घर पे रहता फिर. कोई बात नहीं, नितिश आंसर बताओ क्या X25 है? पूछा मैंने आपसे, यस और नो में आंसर देना था. इधर आओ, आ गया। सी बेटा, these lines are parallel. Then angle two. What are angle two and angle six, Nitish? What? Equal. एक मिनट, बेटा। क्लास बार आराम से बोल रही हूँ, इकट्ठे नहीं बोलना है, मुझे पूछने दो जिससे मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है? हाँ जी, ये टू और सिक्स कैसे एंगल्स हैं नितिश? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. सो 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x. इजीएस्ट क्वेश्चन, ये एक्स इधर जाके 5x हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स इज इक्वल टू 24. X is equal to 24. क्या ही होगा आपका आंसर? नहीं आया ये, क्या किया आपने? फिर 120 प्लस, उसमें तो दो अननोन एंगल्स हो गए, फिर X की वैल्यू कैसे आई तेरे पास? क्या हो गया योगी तुझे? बिल्कुल डफर होता जा रहा है, पढ़ता नहीं घर पे? ना ना, नहीं पढ़ते ना बेटे? अगर कोई भी बच्चा होगा, कोई भी बच्चा अगर वो घर पे नहीं पढ़ेगा ना बेटे, तो फिर क्या कहते हैं उसको, फिर आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते. ये पता है 2 और 6 क्यों इक्वल है? सब समझ आ गई? अब अगले क्वेश्चन का आंसर तो देगा मुझे अच्छे से, ठीक है? एक्स 24 आ गया, आपसे पूछा एंगल 2 एंड एंगल 6. 120 प्लस 24 144 and 6 into 24 will give you angle 6, right? Okay. This L is parallel to M. How many yogs are there? ये एक्स निकाल, चलो हरिए एवरीवन, वेट वेट बेटा, लेट द स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैम वो पिछले क्वेश्चन में आपने डिनोमिनेटर में 5 क्यों लिखा था मैम? 6 आना था. 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस था. 120 इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स. 120 इज इक्वल टू 5x, ठीक है जी? कर लिया डिस्कस? 40. Is it clear? Okay, fine. प्रणय पूछ रहा था, yes ma'am, क्या? 290? कितना लिया ऊपर वाला एंगल?
30 बस ठीक है, गया एक नंबर। हाँ एक डेढ़ दो मिलते हैं एंड में, अगर एक माइनस गलत है तो सिर्फ आधा ही कटता है। सो व्हाट इज द आंसर यस स्टूडेंट? 285 नहीं आया। देखो इधर एवरीवन लुक ऑन द बोर्ड, वेयर आई हैव कैप्ट द डस्टर, ये रही। ऑल राइट स्टूडेंट्स लुक ऑन द बोर्ड प्लीज। दिव्यांशी हेलो, ये हमने निकालना है एक्स, वी विल ड्रॉ, क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि हमें बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? ये हाँ जी, ये 35, ये भी 35 ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है? ये 40, ये भी 40, यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अपने आप फिगर में फटाफट से दही लिख दो, ये कितना हो गया 75, ये पूरा एंगल कितना होता है रिफ्लेक्स, सॉरी टोटल एंगल इज 360, ये टोटल पूरे सर्कल में कितना है 360। अगर उसमें से ये वाला एंगल, इतना एंगल 75 है, तो बाकी का जो x है वो कितना होगा 360 माइनस 285। समझ आया कि नहीं आया योग? समझ नहीं आया तो पूछ लो बेटा, मैं दोबारा समझा दूंगी, ऐसे ही नहीं कहना कि आ गया, इट्स ओके। नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आ गया नहीं आया, अगर आ गया तो तू समझाएगा मुझे, सोच ले। ऐसे ही बेटा जैसे लाइंस एंड एंगल्स में कोई भी फिगर आपको गिवन हो, ठीक है? दीज आर द पैरेलल लाइंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वी हैव डिस्कस्ड, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दिस ये और ये और ये और ये, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल ओनली इफ द लाइंस आर पैरेलल। इसी तरह से ये वाले एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 1, 2, 3 एंड 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली बेटा ये एंगल सपोज 5 और ये एंगल 6, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं वैसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल। हां जी बेटा, ये और ये ठीक है वो भी, हाँ बिल्कुल ठीक, फिर माइनस नहीं करना, ओ इंटीरियर से वही बताने लगी थी, जैसे ये ट्रांसफर, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल, इसने एक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है? ये 1, ये 2, को इंटीरियर से 1 आया, को इंटीरियर से 2 आया, एक्स क्या है 1+2। जैसे अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर आर क्लियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल। फिर आपके पास है जैसे ये वाला पैरेलल लाइन के अंदर इंटीरियर में and on the same side of transversal we what type of angles we have co-interior angles and what is the property of co-interior angles Nitish? What 180? Yes. Co-interior angles का sum क्या होता है हमेशा 180। मान लो आपको यहाँ पर एक angle given हो 2x+30, यहाँ given हो 5x+40, in general I have taken, find x, then नहीं दोनों का सम क्या होगा 180 से x निकलेगा। मान लो कई बार पूछते हैं ये है ए ओ बी सी, फाइंड एंगल ए ओ बी और x, जो x आया उसके भी ऑप्शन गिवन है, मेरी बात समझ में आ रही है? आपने x क्वेश्चन है फाइंड एंगल ए ओ बी और जो आपके पास ऑप्शन है उसमें x की वैल्यू भी गिवन है, तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी से x वाले को टिक कर देना है,
रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड फाइंड एंगल एओबी, तो एक्स को इधर पुट करके जो आंसर आएगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगर सब्जेक्टिव होता तो एक्स तक निकाल के आपको नंबर मिलता, ये चलो एंगल नहीं निकाला बच्चे ने, आधा नंबर काट लो या एक काट लो, बट इसमें एमसीक्यू है तो वी वांट द आंसर ऑफ एंगल एओबी, वी डोंट वांट द आंसर ऑफ एंगल एक्स, राइट? मैं वही बोल रही हूँ ना, दिस इज वेरी इजी। आर यू डूइंग द प्रैक्टिस एट होम एवरीवन? ट्यूशन जाते हो? This is 100, this is 105, 15, sorry, you have to find this. Hurry up. कब की है ये? आज की? मतलब मैंने कहाँ जाना है? रिसेस में, 7th A। थर्टी फाइव ये निकालोगे? तो 65 प्लस एक्स इज 100, एक्स कितना आएगा? 35। बाय 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, एक्सटीरियर एंगल, बेटा उनको बोल दे तो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी?